ये हरियाणा का वो शहर है जिसकी उन्नति और प्रगति को देखकर देश के साथ साथ दुनिया के लोग भी चकित रह गए। शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों का जमावड़ा लगते देख किसी ने इसे साइबर सिटी का नाम दिया तो किसी ने इसे मिलेनियम सिटी का। शहर में जिधर नजर उठाओ वहीं रंग बिरंगी आसमान छूती इमारतें नजर आती हैं। इस नजारे को देखकर लगता है कि लोगों ने जिस नाम से इस शहर को पुकारा है वो दुरुस्त है, लेकिन दूसरे ही पल जब निगाहें झुककर सड़क पर पड़ती हैं, तो लगता है कि मानो लोगों की कल्पना में कहीं चूक हो गई है। सड़कों के ये गड्ढे शहर की खूबसूरती को वैसे ही ग्रहण लगा रहे हैं जैसे चांद को उसमें दिखने वाले दाग। हैरानी की बात तो ये है कि शहर को बदसूरत बनाने वाले इन गड्ढों के प्रति प्रशासन का रवैया बिल्कुल उदासीन है और इसी उदासीनता के कारण शहरवासी परेशान हैं। अपने इसी दुख को शहरवासियों ने कई बार सरकारी तंत्र के सामने बयां किया, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों रही। इसलिए इसका बीड़ा अब अन्ना समर्थकों ने उठाया है। अन्ना समर्थकों ने एक अनूठी पहल चलाकर शहर की सड़कों पर स्लोगन लिखकर प्रशासन को जगाने की कोशिश की। अन्ना समर्थकों ने अपने स्लोगन में रोड पर बने गड्ढों के लिए सरकारी तंत्र में बढ़ते भ्रष्टाचार को जिम्मेदार बताया। जो खड्डे हैं उनके आगे मैसेजेस लिखे हैं, जैसे कि इसके आगे लिखा है कि मिलेनियम खड्डा। So this is a take on Millennium City. This is a Millennium City. The world's most, biggest companies have offices here. और आप रोड्स की हालत देखिए। जो हमारा उद्देश्य है ये जागरूकता हर एक नागरिक में लानी कि भाई जागो, टाइम आ गया है कि अपने हाथ में पावर लो, अपने हाथ में मशाल लो। मशाल का मतलब ये नहीं कि हमने सबको जलाना है, मशाल का मतलब अपना जो जोश है उसको इकट्ठा करो और आगे बढ़ो। अन्ना समर्थकों का कहना है कि शहर की सड़कों के लिए उनकी ये मुहिम यही नहीं रुकेगी, बल्कि यदि प्रशासन इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाता है तो वे अपना अभियान और तेज करेंगे। अब बस देखना ये है कि प्रशासन की नींद कब टूटेगी और कब शहर की सड़कों से ये मिलेनियम और भ्रष्टाचारी गड्ढे खत्म होंगे। मनु मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज़, गुड़गांव।